अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। दिस इज द सेवेंथ एंड फाइनल वीडियो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व थ्री प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 20 to 22। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20 में हमें ये बताया गया कि देर आर टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सोर्स। जब वो पैरेलल में सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं तो आप ये प्रूव करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिलेशन का जो है ना प्रूफ है। प्रूव करें कि पावर जो डिसिपेशन है दैट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है हमें वोल्टेज कॉन्स्टेंट कंसिडर करवाना है। वोल्टेज कॉन्स्टेंट क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है। इस वजह से हमें ऐसे रिलेशन पर जाके डिसाइड करना है यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट हो। तो हमने पावर के लिए इक्वेशन ली, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क होता है क्यू इंटू बी ओवर ये टी आ गया, तो क्यू ओवर टी इज इक्वल टू आई इंटू बी हो गया। यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वोल्टेज तो है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट को हमने ओम्स लॉ की जो इक्वेशन है वी इज इक्वल टू आई आर, उसमें से करंट को जो है ना एलिमिनेट कर दिया, वी ओवर आर प्लेस कर दिया, पी इज इक्वल टू वी ओवर आर इंटू बी। तो यहाँ पे v इंटू वी वी स्क्वेयर हो गया। अब अगर इसको हम जो है एज अ कॉन्स्टेंट रिमूव करेंगे तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। प्रॉब्लम नंबर 21, जिसमें हमें बताया गया कि एक हेयर ड्रायर है जिसको हमने वोल्टेज कितना दिया 240 वोल्ट और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 15 एम्पियर। अगर उसको 45 मिनट्स के लिए हम ऑपरेट करते हैं, 45 मिनट्स उसका ऑपरेशन टाइम है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, उसको चलाने के लिए हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी वो आप डिटरमाइन करके बताएं। जबकि जो रेट है पर यूनिट कितने का पड़ रहा है, पर यूनिट पड़ रहा है 1.45 रुपीस, ठीक है, 1.45 रुपीस एक यूनिट के पड़ रहे हैं। और एक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, 1 kW इंटू आवर होता है। तो अगर आपके वहाँ पे 5 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं तो उसके हिसाब से बता दें कितने होते हैं, 10 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं तो कितने होते हैं, वो हमें फाइनल कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। लेकिन फाइनल कॉस्ट तभी डिटरमाइन कर पाएंगे अगर हमें यूनिट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कितने यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहले हम यूनिट्स डिटरमाइन करेंगे, यूनिट्स वो किसके होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए हमने पावर की इक्वेशन ली, पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, तो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वी इंटू आई, यहाँ पे टाइम डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करता है। वी हमारे पास 240 वोल्ट है, आई 15 है, ये 45 मिनट है, जो 45 मिनट्स होते हैं वो होते हैं 2700 सेकेंड्स के इक्वल, क्योंकि 1 आवर के अंदर जो सेकेंड्स होते हैं वो 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 2700 सेकेंड्स हो गए 45 मिनट्स के अंदर। तो वो हमने सारे के सारे तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आ गए 972000 जूल, इतने हमारे पास जूल कंज्यूम कर रहा है वो हेयर ड्रायर। तो जूल इज नॉट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है दैट इज kWh, किलोवाट इंटू आवर। तो 1 kW इंटू आवर के अंदर होते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो 1 जूल के अंदर कितने किलोवाट इंटू आवर हो गए, किलोवाट इंटू आवर डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है, ये हमने जूल की जगह पे रिप्लेस कर दिया। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2.7 किलोवाट इंटू आवर। तो मतलब सिर्फ 2.7 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं 45 मिनट्स के अंदर। तो डेफिनेटली अगर दो यूनिट यूज होते तो इससे डबल होता, 3 यूनिट होते तो इससे ट्रिपल होता। इसका मकसद है हमें कॉस्ट मालूम करने के लिए रेट को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो रेट है 1.45 और जो यूनिट है वो है 2.7, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है 3.9, मीन्स ओनली द कॉस्ट इज 3.9 रुपीज फॉर द ऑपरेशन ऑफ 45 मिनट्स। प्रॉब्लम नंबर 22, इन दिस प्रॉब्लम देर इज अ वायर ऑफ कंस्टेंट इन ऑफ लेंथ 40 मीटर, डायामीटर 0.8 मिलीमीटर। अब आपको ये बताना है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा।
रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है तो टेम्परेचर कौन से, 0 सेल्सियस पे और 50 सेल्सियस पे। मतलब 0 सेल्सियस को आप कह सकते हैं बेसिक रेजिस्टेंस, तो पहले आपको वो मालूम करना है, और 50 सेल्सियस पे भी आपको डिटरमाइन करना है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टिविटी फॉर दिस मटीरियल इज 49 × 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर, और जो इसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू होती है 0.00001 पर केल्विन, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा जी, अब हमें ए को डिटरमाइन करना है, तो आर नॉट इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर, रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, पाई आर उसके ऊपर स्क्वायर, जब सॉल्व किया तो 38.99 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस वायर एट 0 सेल्सियस, 0 सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस दे रहा है। अब हमें 50 सेल्सियस पे डिटरमाइन करना है, तो 50 सेल्सियस पे डिटरमाइन करना है तो इसका मकसद है, नाउ वी हैव टू यूज द रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर, के टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन आती है वो आप डिटरमाइन करें। आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो आपके पास आर नॉट की वैल्यू मिल गई है 38.99, वो आपने सब्सटीट्यूट कर दी 1, अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बताई 0.001, और जो डेल्टा टी है मतलब 0 से आप स्विच कर रहे हैं 50 पे, तो चेंज है 50, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, अगेन मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आ गया 39.01। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर फर्दर वीडियोज स्टे ट्यून्ड एट एजुकेशन ऑनलाइन विथ इशफाक अहमद।